તમે સાથે રોકાવાની ગણતરી સાથે આવજો. રોકાવાની? હા, એટલે કાલ બપોરે સંમેલન છે, આજે તમારી ટ્રેન થશે બરોબર, અને કાલ બપોરે તમારું સંમેલન થશે બરોબર. હા, એટલે રોકાવાની ગણતરી સાથે આવજો બરોબર. હવે હવે 5% તમને અત્યારે આજે મળશે બરોબર. સાંભળો, હું તમને કહું, એ તમને અત્યારે મળશે 40% તમારું કાલ સંમેલન પતે પછી બરોબર. આજે બરોબર તમે એ સંમેલન પહેલા જ મળી જશે તમે બરોબર. આપને હાર્દિક પટેલ કે સાથ કામ કરકે ઉસ આંદોલન મેં આપને બઢ ચઢ કે હિસ્સા લિયા. જબ ઇલેક્શન નજદીક આયા તો આપ બીજેપી કી તરફ ગયે, ફાઇનલી આપને વિડ્રો કિયા ઓર આપને આપકે એક સાથી થે વરુણ પટેલ, જિન પે યે એલિગેશન લગાયા કે વરુણ પટેલ ને આપકો બીજેપી મેં શામિલ કરને કે લિયે એક ડીલ સ્ટ્રાઇક કી હૈ, और 1 crore rupees की डील जिसमें से आपको उन्होंने 10 lakh rupees दिए थे. वो क्या हुआ था, पूरा एपिसोड क्या था आपका उस तरफ जाना फिर वापस आना और ड्रामेटिक मिडनाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैसा दिखाना कि ये 10 lakh rupees मुझे ऑफर किए गए थे जिसको मैं वापस कर रहा हूँ, फिर आपका वो एक स्टेटमेंट आया कि बीजेपी पूरा रिजर्व बैंक मुझे दे दे फिर भी मुझे खरीद नहीं सकती है. यहाँ 2-3 साल से अनामत आंदोलन चल रहा है, उसका केंद्र बिंदु मेहसाणा है. जब भी पहली रैली हमने हार्दिक ने की तो मेहसाणा से हमने शुरुआत की थी, हमने हार्दिक ने और सभी लड़कों के पाटीदार. वो 50 साल में पहली बार किसी सरकार के सामने मांगने के लिए निकले, वो पुत्र का हक और हम हक की लड़ाई चलाते. वो बीजेपी को हमने हमारे पाटीदार समाज ने दूध पिला के बढ़िया किया, और वो ही बीजेपी वाला वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी हमको ही डंकने के लिए आए. उसको हिंदू मुस्लिम पटेल ठाकुर राम मंदिर GST नोटबंदी विकास रथ सभी हमने गौड़ा कर दिया, तो कोई भी मुद्दा चला नहीं. तो वो नोटबंदी के बावजूद उसने जो काला धन इकट्ठा किया बीजेपी वाला ने, उसकी ताकत से हमारे पूरे गुजरात का पाटीदार अनामत आंदोलन का लीडरों को वो खरीदना चाहते थे. उसका पहला प्रयोग उसने वरुण और रेशमाबेन पटेल के ऊपर किया, तो मैंने सोचा कि जो पैसे की ताकत से वो खेल करेंगे तो हमारा पूरा पाटीदार समाज का अस्मिता का सवाल था, आबरू का सवाल था. मैंने सोचा कि बीजेपी वाला पैसे की ताकत से वो खरीदेंगे और खेल ख़त्म हो जाएगा, तो उसको गिराना चाहिए. हमने मनोमन इच्छा कर दी. मेरे साथियों जो मेहसाणा का पाटीदार युवकों का साथ लेके मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, वरुण के पास गया. वरुण मेरा अच्छा मित्र था, उसने भी पाटीदार समाज में काम किया था, इसीलिए मैं उसको विश्वास जलाया. उसके घर पे मेरा 1 crore का सौदा किया. शाम को मुझे ले गया बीजेपी का प्रेसिडेंट वो जीतू वागाणी के घर पे, वहाँ चाय नाश्ता करा के बाद मुझे वो बीजेपी की ऑफिस है वहाँ ले गए कमलम में, और वहाँ जाके बीजेपी का लीडर जीतू वागाणी जी, डॉक्टर ऋत्विक पटेल जी और दूसरा 2-3 लीडर था, भरत पंड्या वो बीजेपी का प्रवक्ता, वरुण पटेल महेश पटेल सभी एक रूम में हाजिर था. वहाँ मुझे पूरी धमकी दी, मुझे लालच दिया, आपको 1 crore हम देते हैं आप बीजेपी में शामिल हो जाओ. और पूरा उत्तर गुजरात का सभी कन्वीनरों को पाटीदार लीडरों को पैसे से खरीद के बीजेपी में ला दो. ये इलेक्शन आता है, इलेक्शन में आप जब जब काम करेंगे बीजेपी में, जब जैसा प्रोग्रेस होगा उसकी दूसरी डील आपको मिल जाएगी. मुझे समाज को पूरा दिखाने का था कि देखो ये बीजेपी वाला कैसी गंदी चाल समाज के पर लड़ता है, समाज की अस्मिता को कैसा गलत करते हो. इसीलिए मैंने आ कर दिया. मैं थोड़ी रकझक की तो उसने मुझे धमकी दिया कि मेरे पर वो सरकार ने 14 FRI गलत कर दिए. मैं असंख्य केसों का सामना कर रहा हूँ.
तो बाहर आया तो पूरा गुजरात का मीडिया इकट्ठा हो गया था, उसका पी प्लान था। मुझे बरजबरी से उसका खेस पिला दिया और मीडिया के सामने खड़ा कर दिया। जब मैंने मीडिया के सामने खड़ा हुआ तो मेरा फ्रेस भी एकदम डाउन था, वो आप सबने देखा है। जब मीडिया पूरा हो गया तो मैं वहाँ से भागा और वरुण ने मुझे दे दिया 10 लाख रुपया और बोला कि 90 लाख कल सीएम का प्रोग्राम है गांधीनगर में टाउल हॉल में, तो सीएम के साथ आपको आपका सम्मान होगा, आप बीजेपी में विधिवत जाहिरात कर दो, उसके बाद आपको 90 लाख मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी भी मेहसाणा जिला का है और नरेंद्र पटेल भी मेहसाणा जिले का है। ये नरेंद्र मोदी को मैं पड़कार फेंकता हूँ कि आप जहाँ भी नाटक करने का करो लेकिन मेहसाणा के पाटीदार पर मत करो। हम आपको पूरी तरह से पहचानते, क्यों कि आप चाय बेचने वाला नहीं है, चाय तो खाली उभा किया एक मुद्दा है। आप चाय की बात कर तो उस समय तो आपका वतन में रेलवे स्टेशन ही नहीं था, आप क्यों चाय बेचते थे, कहाँ बेचते थे? वो जहाँ जाते कहते कि मैं यहाँ का पूरा रिश्ता है, यहाँ का पूरा रिश्ता है। इसलिए मैं पूरी तरह से उसको पहचानता हूँ कि पूरे समाज को कैसे गलत समझाता है। इसलिए मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया और मैं सिर्फ 2 घंटे के बाद वो केस और जो रिकॉर्डिंग था मेरे पास वो सभी लेके मैं मीडिया और मेरे समाज के सामने आ गया और पर्दाफाश किया कि देखो ये कैसा करता है। नरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि आपने सारी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया था, स्पाई कैम का यूज़ करके आपने स्टिंग किया वहाँ पे और सारा कुछ आपके पास ऑन रिकॉर्ड है। हाँ है, चौकस रिकॉर्ड। आप इसको ऑलरेडी कोर्ट में दे चुके हैं, फिर आप वो स्टिंग को लेके और उस रिकॉर्डिंग को लेके फिर मीडिया के सामने क्यों नहीं जाते हैं अगर आपके पास कुछ है तो? मैंने जो ऑडियो क्लिप थी वो मीडिया को उसके दिन दे दी थी। 2-3 दिन के बाद दूसरी 1-2 क्लिप भी वो गुजरात का मीडिया को दिया था मैंने। अब दूसरी जो है वो कानूनी प्रश्न है, जब भी मेरा वकील छुट्टी देगा तब पूरी रिकॉर्डिंग मैं मीडिया और समाज के सामने चौकस दे दूंगा। न्यायतंत्र पर मुझे पूरा भरोसा है, जब भी न्यायतंत्र बोलेगा तब समाज और मीडिया के सामने मैं चौकस आऊँगा। ऐसी बात कही जा रही है कि आपकी डील सही से नहीं हो पाई, आप पार्टी में कुछ पोस्ट चाह रहे थे जिसको पार्टी ने ऑफर नहीं किया आपको और आप उससे नाराज़ हुए और नाराज़ होकर आपने ये सब ड्रामा किया। बीजेपी में जाने का प्रश्न नहीं है, मैं भी ये मेरा समाज का प्रश्न है। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि मैं समाज सेवक हूँ, मैं कोई राजकीय पार्टी का मानस नहीं हूँ, कोई किसी का एजेंट नहीं हूँ। बीजेपी का परसाया भी मैं नहीं ले सकता, इसलिए पोस्ट की तो कोई बात नहीं हुई। मुझे धमकी दिया और पैसा ही दिया है। पैसा मैं ऐसा करता हूँ तो पैसा क्यों दिया? मैं उसको पड़कार फेंकता हूँ। आपके पास जो बीजेपी वालों के पास कोई भी सबूत है, सच्चा सबूत हो तो आपकी ताकत हो तो लेके आ जाओ न्यायतंत्र में। आपको न्यायतंत्र पे विश्वास नहीं है, मुझे तो पूरा विश्वास है। आपकी मेरे पास उसके पास नोटबंदी की ताकत है पैसों की, मेरे पास तो मेरा पाटीदार परिवार की ताकत है। वरुण पटेल से जब सफाई मांगी गई कि क्या ऐसा कुछ हुआ था तो वरुण पटेल कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये कांग्रेस की एक चाल है और वो इसलिए बीजेपी से अलग हुए कि उनको लग गया कि कांग्रेस पूरे पाटीदार एजिटेशन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस ने किसी भी लीडर ने मेरा कांटेक्ट नहीं किया। हम बीजेपी को गिराने के लिए कुछ भी करने वाला है, कोई भी पक्ष में हम समर्थन देने वाला है। जो बीजेपी को गिरा देती है उसको हम चौकस समर्थन देने वाला है। लेकिन ये ऑपरेशन में कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, मैं पक्का कह दो। जो वरुण पटेल कहते हैं कि कांग्रेस का रोल था, तो आ जाओ कोर्ट में, न्यायतंत्र में आपके पास जो भी सबूत है लेके आप आ जाओ, आपका लीडर को बोलो। आपके आंदोलन की 2 साथी रेशमा पटेल और वरुण पटेल ऑलरेडी बीजेपी में जा चुके हैं। रिजर्वेशन मूवमेंट चलाया था हार्दिक पटेल की लीडरशिप में, इसमें ये कितना कमजोर पड़ा है उनके डिफेक्शन से? कोई कमजोर नहीं पड़ रहा। हार्दिक पटेल, नरेंद्र पटेल, वरुण पटेल, रेशमा पटेल जो भी है वो आंदोलन की बजाय पाटीदार समाज की ताकत है। हम भी 0 है, हार्दिक पटेल भी 0 है, लेकिन वो हीरो समाज ने बनवाया, समाज की ताकत है। जब तक मैं समाज के साथ हूँ तब तब हीरो रहूँगा।
हार्दिक पटेल जब तक समाज के साथ है तब तक हीरो रहेगा, समाज के साथ कोई भी कन्वीनर नहीं रहेगा, वो ये 10 मिनट में जीरो हो जाता है। अभी वरुण पटेल और रेशमा पटेल जीरो हो गए हैं, उसके पास एक पण पाटीदार परिवार पीछे रहने वाला नहीं है, उसकी ताकत नहीं है कि पूरे गुजरात में 5 पाटीदार को इकट्ठा कर सके। अब इस एजिटेशन को सपोर्ट कर चुकी है ऑलरेडी कांग्रेस, हार्दिक पटेल को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है, हार्दिक पटेल अपने कैंडिडेट्स को भी लाएंगे जो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, नरेंद्र पटेल कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? हम इलेक्शन लड़ने वाले नहीं है, मैंने किसी भी पक्ष में, कांग्रेस में या किसी भी पक्ष में मेरा बायोडाटा भी नहीं दिया और दरख्वास्त भी नहीं की, सामने से भी कोई दरख्वास्त नहीं आई। लेकिन मैं ऐसा चौकस कहता हूँ, मेरे पाटीदार समाज को जहाँ फायदा होगा, और कोई भी पार्टी जो पाटीदार समाज को फायदा करेगी बोलेगा कि समाज के लिए आपको लड़ना चाहिए, तो मैं समाज की हित के खातर कहाँ से भी लड़ूँगा। अभी हार्दिक पटेल की राहुल गांधी से कई मीटिंग हुई है और कांग्रेस ने जो आपके डिमांड्स हैं उनको पूरा करने का वादा किया है, आपको ऐसा लगता है उस मूवमेंट का कन्वीनर होने की हैसियत से कि कांग्रेस उन वादों को पूरा कर पाएगी? हमारा हार्दिक पटेल ने जो भी राहुल के साथ बातचीत की है या नहीं की है, वो हमारा पूरे पाटीदार परिवार को, समाज को उसके पर पूरा भरोसा है। हार्दिक जो भी चर्चा करेगा वो पाटीदार के लिए ही करे, समाज के लिए अपने लिए तो करने वाला नहीं, वो उसका अंगत स्वार्थ तो है नहीं। इसीलिए हम गुजरात और नॉर्थ गुजरात का पूरा पाटीदार परिवार को उसका समर्थन है। आप ये बोल रहे हैं कि हार्दिक पटेल जो भी करेंगे पाटीदार कम्युनिटी के लिए करेंगे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, जो ग्राउंड के लोग ये कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल का अपना एक पॉलिटिकल एम्बिशन था और उन्होंने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति बना के उस मूवमेंट को के ज़रिए उन्होंने अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को फुलफिल किया है, उनको चुनावी राजनीति में आना था जो उन्होंने किया है। मैं 3 साल से हार्दिक के साथ हूँ, 3 साल से आंदोलन हमारा चल रहा है, ऐसा कुछ मूवमेंट मैंने देखा नहीं है। वो तो बीजेपी वाला ऐसा स्टंट करते हैं और कहते हैं अभी कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस ऐसा कहेगा कि भाई बीजेपी वाला ऐसा करता है। जो भी सरकार आंदोलन को तो हमेशा पूरे भारत में जो आंदोलनकारी हो उसको विरोध पक्ष टेका देते हैं। पाटीदार कम्युनिटीज रिजर्वेशन के अलावा उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं? हमारी पहली समस्या तो ऐसी है कि वो सरकार ने हमारी माता दीकरियों को जो गंदी गालों बोली है उसकी पुलिस ने गलत केस किया है, हमारा 14 युवाओं को गोली से धरवा दिया और शहीद हो गया, तो उसको सजा दो, उसके पर कार्यवाही करो, वो भी नहीं करती। वो प्रधानमंत्री मेहसाणा के हैं, मेहसाणा में सबसे ज़्यादा शहीद हुआ है, तो आज तक एक श्रद्धांजलि का शब्द नहीं बोला, वो धिक्कार के पात्र है। विद दिस नोट we are ending this discussion. Thanks for watching NewsClick. Stay tuned. For more updates, log on to www.newsclick.in.